खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचा। एयरपोर्ट से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई और दर्शन के लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इसे रखा गया। यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अटल जी के अस्थि कलश के दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अस्थि कलश राजस्थान के 3 जगहों पर ले जाया जाएगा। अटल जी की अस्थियों का विसर्जन चंबल नदी के साथ ही पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर धाम में किया जाएगा। अस्थि कलश को दिल्ली से जयपुर सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहली कलश यात्रा में सांसद ओम बिरला अस्थि कलश लेकर कोटा के लिए रवाना होंगे, जहां अस्थियों का विसर्जन चंबल नदी में किया जाएगा। साथ ही इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरे अस्थि कलश यात्रा में मंत्री अरुण चतुर्वेदी अस्थि कलश को लेकर पुष्कर के लिए रवाना होंगे, जहां पर अस्थि कलश के विसर्जन के समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। तीसरी अस्थि कलश यात्रा बेणेश्वर धाम के लिए रवाना होगी, जिसमें भाजपा के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया अस्थि विसर्जन करेंगे, जिसमें मंत्री गुलाब चंद कटारिया उनके साथ मौजूद रहेंगे। आज दिन तक भी ऐसी विभूतियां जब कभी भी गई है, उनके अस्थि कलश सारे दुनिया में गए, सारे देश में गए, सब नदियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, चाहे वो विभूति हमारी पार्टी की रही हो, किसी की रही हो। देखिए, एक बड़े पैमाने पर लोगों की मांग आई थी कि अटल जी का जन जन से संबंध था, और विशेष रूप से ये दिल्ली के आसपास के 6-7 प्रांतों की बात करें तो इन प्रांतों में, राजस्थान की बात करें तो शायद राजस्थान की कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जिसमें अटल जी नहीं गए होंगे।